यस बच्चों, ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी की रिवीजन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसके अंदर मैं आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझाऊंगा, मेन मेन क्वेश्चंस बताऊंगा डायरेक्ट कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इधर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा जल्दी जल्दी से, ठीक है। और ये नोट्स मुझसे साथ के साथ आप ले लिया करना, मुझे कह दिया करना, आपको साथ के साथ मैं इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आप प्रिंट निकाल के भी पढ़ सकते हो इसको, या फिर आप एज इट इज पढ़ना चाहते हो एज इट इज भी पढ़ सकते हो। इसके अंदर हर चैप्टर के अंदर 9-10 पेज की थ्योरी है, फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फिर न्यूमेरिकल है। इससे बाहर आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, क्लियर। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा वर्क पावर एनर्जी के अंदर सबसे पहला टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। एवरीवन नोज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो बॉडी में मोशन की वजह से होती है। हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा आप रिस्पॉन्स करते जाना सो दैट हम थोड़ा सा क्विकली इस चैप्टर को रिवाइज कर लें। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, जो बॉडी के अंदर जो बॉडी के अंदर ड्यू टू मोशन होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। एग्जाम्पल है कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी की हमने डेरिवेशन करनी है। एक मिनट हेलो यस सर। हाँ जी बच्चों करते हैं स्टार्ट। तो एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन करनी है हमने। काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन करने के लिए बच्चों सबसे पहले तो एक बॉडी मानी, उसकी इनिशियल स्पीड को मैंने जीरो मान लिया। अगर मैंने उस पर एफ फोर्स लगाई तो उसकी कुछ देर बाद जो स्पीड होगी वो वी हो गई बच्चों, और उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, एस डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब मैंने इसकी काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन करनी है, तो तुम्हें पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। हर एक को यू इनिशियल स्पीड बॉडी की कितनी थी, जीरो, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, वी स्क्वायर बाय 2s। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एज इट इज। बच्चे एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, वी स्क्वायर बाय 2s, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी का। किसी को कोई डाउट है इसमें एक्सप्रेशन में? यस बच्चों, एनी डाउट? ये इसके बाद काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करना है हमने कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मेथड से कैसे डिराइव करेंगे बच्चे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है तुम्हें पता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसको मैंने कैलकुलस मेथड से डिराइव करना है। कैलकुलस मेथड से कैसे डिराइव करेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला सभी को पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डॉट और वेक्टर हटाते हैं बच्चों, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो कॉस जीरो होगा, तो वर्क डन कितनी हो जाएगी, एफ डी एस हो जाएगी। अब इसके अंदर कैलकुलस मेथड का मतलब है जो हमने यहाँ पर वर्क डन निकालना है उसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कैलकुलेट करना है। बच्चे फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, यू नो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू कितनी पुट कर ली, मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बच्चों एज इट इज। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। तो ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन गया, एम वी डी वी। ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास बच्चे वर्क डन का फॉर्मूला यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट था, पेपर में आपको काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन आ सकती है विद सिंपल मेथड या फिर कैलकुलस मेथड। और आगे बच्चों काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सभी को पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होती है। यस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं इसको एम से मल्टीप्लाई करता हूँ, एम से डिवाइड करता हूँ, तो ऊपर क्या बन गया बच्चों, पी स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया, एम। ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन किसके साथ आ गया, मोमेंटम के साथ।
इसके बाद ये 3 मार्क्स की आपको डेरिवेशन पक्का एग्जाम में आ सकती है, स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम। पहली बात तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन, यस दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। सभी को पता है ना इसके बारे में, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। अब इसकी बच्चों डेरिवेशन करनी है, अगर डेरिवेशन करनी है मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन कंसीडर कर ली, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसके अंदर बच्चों देखो आगे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ मैंने, अगर मेरे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है, दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दी हाफ एम से, दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई की, यहां पर भी हाफ और ऊपर एम के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दी। बच्चे ये क्या बन गया हमारा फाइनल कैनेटिक एनर्जी, ये क्या बन गया हमारे पास इनिशियल कैनेटिक एनर्जी, और एम ए क्या होती है बच्चों फोर्स, एस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, टू के साथ टू कट गया, एम ए क्या होती है फोर्स, एस होती है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बच्चे क्या होता है वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ गया चेंज इन कैनेटिक एनर्जी। ये मेरे पास वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ आ गया। बच्चे आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ विद वेरिएबल फोर्स की वजह से भी आ सकता है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम का जो हमने प्रूफ किया है कॉन्स्टेंट फोर्स कंसिडर करके किया है, इसी तरह अगर वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ करना है वेरिएबल फोर्स के लिए तो हम फिर अगेन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन वाला मेथड ही यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के लिए अगर करेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला सभी को पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस इनटू थीटा, थीटा अगर मैंने 0 मान लिया तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बच्चों फोर्स की वैल्यू कितनी होती है सभी को पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, मास एफ की जगह क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों क्या होती है डीवी अपॉन डीटी इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, यस थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, यस बच्चों वेलोसिटी स्पीड स्पीड इनटू डीवी। तो इसकी इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, जब आप दोनों तरफ इसकी इंटीग्रेशन करोगे देन यू विल गेट वर्क एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये 3 मार्क्स की दोनों में से एक पूछ सकता है, आपको वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चे कांस्टेंट फोर्स के लिए पूछ सकता है, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको वेरिएबल फोर्स के लिए पूछ सकता है, दोनों में से कोई भी आर्टिकल आपको एग्जाम में पूछ सकता है। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक, चले आगे। इसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी जो एनर्जी हाइट की वजह से आती है अंडर ग्रेविटी उसको हम क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों हाइट की वजह से हमारे पास एनर्जी कैसे आती है, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जा रहा हूँ, यहां से यहां तक लेकर जा रहा हूँ, कितनी हाइट तक लेकर जा रहा हूँ बच्चों, एच हाइट तक लेकर जा रहा हूँ, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन क्या होगा कोई बताएगा मुझे, वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब आप ये देखो बच्चे इसके अंदर कॉस थीटा होता था हमेशा, कॉस थीटा होता था, अब आप ये देखो फोर्स कितनी लग रही है एम जी नीचे को, डिस्प्लेसमेंट कितनी है ए से बी पॉइंट तक एच, एंगल कितना बन रहा है दोनों में, फोर्स लग रही है नीचे को डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऊपर को, एंगल कितना बन रहा है 180, तो वर्क डन कितना आ गया बच्चों माइनस एम जी एच आ गया, यहां तक क्लियर है, यस वर्क डन कितना आ गया माइनस एम जी एच। बट तुमने एक चीज याद रखनी है बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, यस कंसेप्ट आपने याद रखना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन कितना है माइनस एम जी एच, माइनस माइनस एम जी एच क्या हो जाएगा प्लस एम जी एच, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ गई हमारे पास एम जी एच हो गया बच्चों। अब अगर मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे 0 मान लूं
तो फाइनल वाली कितनी आ जाएगी, बी पॉइंट पे कितनी आ जाएगी, एम जी एच। कोई डाउट है यहां तक? ये मैंने यहां पर डेरिवेशन की है इसकी। भाई आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। यस सर। समझ आ गया बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन ये स्टेप्स यहाँ पर नहीं किए हुए, यहाँ पर थोड़े से डायरेक्टली किए हुए हैं स्टेप, आपको इसमें दिक्कत आ सकती है, तो ये मैंने यहाँ पर पूरा सॉल्व कर लिया। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मैं नोट्स आपको आफ्टर क्लास के बाद में आपको ये नोट्स पकड़ा दूंगा, सेंड कर दूंगा, तो चाहे आप इनके प्रिंट ले लेना नोट्स के, चाहे आपने एज इट इज पढ़ लेना, लेकिन इससे बाहर आपका एग्जाम नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद आपको 3 नंबर की ये डेरिवेशन बच्चों आने के चांस हैं। जो मैं आपको 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स लिखवाऊंगा, उसको तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना आपने। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग। दो तरह की एनर्जी होती है, एक कनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी भी आगे दो तरह की होती है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो स्प्रिंग के अंदर होती है। तो हम दूसरी एनर्जी कर रहे हैं अब, जो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। वैसे इसका फॉर्मूला किसी को याद है क्या होती है स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी? हमने डेरिवेशन की हुई थी -1/2 kx2। हाफ के एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर होती है। आज हम इसको डिराइव करते हैं। इसको अगर बच्चों हमने डिराइव करना है, देखो ये जो स्प्रिंग है ये ब्लॉक है, इनिशियली पड़ा है x इज इक्वल टू 0। ये हमारी जो लेंथ होती है इसको कौन सी लेंथ बोलते हैं? नेचुरल लेंथ। इस नेचुरल लेंथ से ब्लॉक को थोड़ा सा हमने खींच दिया, किधर खींचा बच्चों? इधर राइट की तरफ खींच दिया। जब हम छोड़ेंगे तो ये पीछे को फोर्स लगाएगा। यस बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स वो कितनी होगी? रिस्टोरिंग फोर्स आपको याद है एफ की वैल्यू कितनी होती थी? -kx, वेरी गुड। एफ की वैल्यू -kx होती थी, ये रिस्टोरिंग फोर्स होती थी जिसको हम बोलते थे। अब वर्क डन का फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा, सभी को याद है? यस, फोर्स कितनी है? -kx। डिस्प्लेसमेंट कितना है? अगर हमें इसको देखो, यहाँ पर वर्क डन निकाला हुआ, ये वाला वर्क डन किया हुआ इसमें बच्चों। इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट ना हमने स्मॉल मानी हुई है, बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट मानी हुई है। मान लो हमने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आगे को की है, कितनी डिस्प्लेसमेंट की है? dx डिस्प्लेसमेंट की है, तो वर्क डन भी बहुत छोटा सा होगा dw। यहाँ पर मैंने स्मॉल वर्क डन क्यों कंसीडर किया है? क्योंकि यहाँ पर फोर्स क्या है बच्चों? वेरिएबल है। देखो F is directly proportional to x है। जहां पर फोर्स वेरिएबल हो वहां वर्क डन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से करना होता है। वर्क डन इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज करना है आपने। ये चीज आपको याद रहेगी, स्प्रिंग फोर्स इज वेरिएबल फोर्स बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर एक्स चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगी, यानी स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो वर्क डन आपने कैलकुलेट करना है उसको आपने हमेशा इंटीग्रेशन वाले मेथड से ही निकालना है। क्लियर बच्चों? जब आप वर्क डन निकालोगे तो वर्क डन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, -1/2 kx2 आ जाएगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो +1/2 kx2 आ जाएगा, जैसे हमने ऊपर किया है। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ये स्प्रिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का आपको पेपर में आएगा। वैसे मैंने आपको इसके नोट्स भी बनाए हैं, उसके अंदर भी आप दे सकते हो। ये यहाँ पर जो मैं आपको समझा रहा हूँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा, ओवरव्यू दे रहा हूँ, जो नोट्स में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंगली ही समझा रहा हूँ, कॉपी वाला नहीं समझा रहा, जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए दिया था मैंने, करवाया टॉपिक। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में, तो साथ के साथ जो आपको कॉपी में नोट्स बनवाए हुए हैं उनको कंपेरिजन करके आप उनको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। अदरवाइज ये तो मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक रिविजन दे रहा हूँ कि मेन मेन क्वेश्चन ये है, आप इनको पढ़ लेना। मेथड कोई सा भी हो, मेथड जो नोट्स में दिया हुआ है वो भी आप यूज कर सकते हो, मेथड जो आपको कॉपी में करवाया हुआ है, जो पूरा समझाकर आपको बताया गया है सारा कॉन्सेप्ट, आप उसके मेथड से भी कर सकते हो। अब बच्चों अगला है, हमने ड्रॉ करना है ग्राफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, हेंस फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों हमने सॉरी ग्राफ को यूज करके, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ यूज करके पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। इसको हम कैसे करेंगे? देखो
तुम्हें पता है फोर्स और एक्स का रिलेशन तो यही होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस एक्स। यस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन एफ इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, माइनस के एक्स। आपको अगर ग्राफ याद होंगे तो मुझे आप बता सकते हो एफ और एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? कोई बच्चा बता सकता है यहां पर एफ और एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? इधर को एफ, इधर को एक्स, स्ट्रेट लाइन बनेगा या पैराबोलिक कर्व बनेगी? आपको दो तरह की कर्व समझाई हुई है मैंने, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? डिक्लाइंड लाइन, डिक्लाइंड लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन, ऐसी ऐसा ग्राफ बनेगा जैसा इन्होंने बनाया हुआ है। कोई डाउट है किसी को यहां तक? नो सर। ओके, अब बच्चों तुम्हें पता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी एक्स होता है, साथ में इंटीग्रेशन होता है। ये वेरिएबल फोर्स के लिए होता है, कॉन्स्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये वेरिएबल फोर्स के लिए होता है, कॉन्स्टेंट के लिए वर्क डन का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एक्स। ये फॉर्मूला जो वर्क डन का होता है कॉन्स्टेंट फोर्स के लिए होता है और ये वेरिएबल फोर्स के लिए होता है एफ डी एक्स। अब बच्चों मैं आपको इसके अंदर बता दूं कि जो ये एफ डी एक्स है, इस पूरे को बोलते हैं एरिया ऑफ एफ एक्स कर्व। अगर आप एफ एक्स कर्व का एरिया कैलकुलेट करते हो देन यू कैन राइट वर्क डन। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर आप एफ एक्स कर्व का एरिया कैलकुलेट कर लेते हो तो आप क्या लिख सकते हो बच्चों? वर्क डन लिख सकते हो। अब इस लाइन का जो एरिया होगा वो कौन सा एरिया होगा, कोई बता सकता है मुझे? इस लाइन का एरिया, इस लाइन का एरिया कौन सा एरिया होगा? यस, मैं इसको रब करता हूं थोड़ा सा, यहां पर ज्यादा वो हो गया। बताना जरा इसके अंदर कौन सा एरिया होगा? वर्क डन अगर मुझे पता करना है, यू नो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? यस, वर्क डन का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? एफ डी डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ एफ एक्स कर्व। इस कर्व का एरिया बताना है मुझे, इस कर्व का एरिया कौन सा होगा, क्लोज एरिया कौन सा होगा इस कर्व का, एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एरिया? ये ट्रायंगल वाला ही होगा। हाँ बिल्कुल, इस कर्व ने जो एरिया इनक्लोज किया है वो हमने लिखना है। कौन सा एरिया? हम ये वाला एरिया कंसीडर कर लें, ये ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों? हाफ बेस कितनी है और हाइट कितनी है। ये बेस है एक्स और हाइट कितनी है वर्टिकल में, क्या है? एफ फोर्स। फोर्स हाफ बेस इनटू हाइट, ये लिखी हुई है। एफ की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? माइनस के एक्स, माइनस एज इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। यही हमारे पास आ गया वर्क डन। पहले भी वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर होता था। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के क्या होता था? नेगेटिव के इक्वल होती थी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। वर्क डन नेगेटिव एंड पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट तो नहीं है इस आर्टिकल में? चलिए आगे, थोड़ा सा मैं फास्ट हूं। देखो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, मेरा टारगेट है कि एक दिन में मैं एक चैप्टर आपको रिवाइज करवा दूं। आपने आज मेरे पास ये लेक्चर लगा लिया, साथ साथ आपने नोट्स पढ़ते आना, नोट्स को ओपन करके रख लो और प्रिंट निकाल के रख लो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है? आपने घर पर इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है। कल स्टार्टिंग में आपने मुझसे डाउट लेने हैं, डाउट लेने के बाद आपका, आप जो अगला चैप्टर मुझे कोई भी चैप्टर कहोगे, जो चैप्टर आप करना चाहते हो वो मुझसे रिवाइज कर लो। बच्चों ये तीन नंबर का आर्टिकल आपको आएगा, व्हाट आर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? किसी को पता है, याद है किसी को कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? एनी स्टूडेंट कोई बता सकता है यहाँ पर? व्हाट आर लेकिन जिनका डिपेंड नहीं, जो सॉरी जिनका वर्क
पाथ के इंडिपेंडेंट होता है दैट आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस, और जिनका वर्क पाथ पर डिपेंड करता है, जिनका वर्क पाथ पर डिपेंड करता है उनको क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव। जिनका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, कौन कौन सी फोर्सेस होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ऑल आर कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती है? जिनका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ऑल रेजिस्टिव फोर्स लाइक विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। आपने प्लस वन में दो तरह की फोर्सेस पढ़ी है, एक फ्रिक्शन फोर्स, एक विस्कस फोर्स, बोथ आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एवरी काइंड ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस आर कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, राइट? तो ये हमारा 3 नंबर का आर्टिकल पेपर में आ सकता है, व्हाट आर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। आपको इसमें प्रूव भी करने के लिए आ सकता है, बताओ प्रूव करो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन क्लोज पाथ पे जीरो होता है। बच्चों मुझे ये बताओ, इसको मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझा सकता हूँ। जैसे एक बॉडी है, ब्लॉक है, यहाँ पर पड़ी है ग्राउंड पे, अगर मैं इसको बी पॉइंट पे लेके जाता हूँ तो मुझे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी, जब वर्क डन कितना करना पड़ता है, कोई बताएगा मुझे? एच हाइट पर लेकर जाऊंगा तो मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा? एमजीएच माइनस का, अगर मैं नीचे से ऊपर लेकर जाऊंगा। अगर मैं ऊपर से नीचे लेकर आऊंगा बी से, तो मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा? प्लस एमजीएच। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? ए से बी, बी से ए, टोटल वर्क डन कितना हो गया? जीरो। This shows work done over a closed path. Closed path का मतलब जहां से start होता है वहीं पर वापस आ जाएं, तो work done due to on a closed path by a conservative forces is always equal to zero. आप किसी भी method से इसको prove कर सकते हो। कोई doubt तो नहीं है यहाँ तक? ये मैंने conservative को gravitational force से prove किया है, उसका work done हमेशा पाथ पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप ए ब्लॉक को, ए किसी ब्लॉक को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, एच हाइट तक लेकर जा रहे हैं, तो वर्क डन कितना है यहाँ? एमजीएच। अगर मैं उसको ए से सी तक लेके जा रहा हूँ, सी से डी तक लेके जा रहा हूँ, डी से ई तक लेके जा रहा हूँ, ई से बी तक लेकर जा रहा हूँ, तो ये सारे वर्क डन का अगर प्लस करोगे तो क्या आएगा? एमजीएच। यानी वो आप किस रास्ते से जा रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता, अकेला किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करता है वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर। कोई डाउट बच्चों? नो सर। अच्छा, ये आपको इम्पोर्टेंट है बहुत, ये आपको 3 नंबर की पूछ सकता है, What are conservative forces? Explain its various properties. Conservative forces की definition मैंने ऊपर दे दी, properties conservative force की। Conservative force में work done path पर depend नहीं करता, आपको clear हो गया। Close path पे work done zero होता है। कौन कौन सी forces होती हैं ये? एक spring force होती है और एक gravitational force होती है। चलिए बच्चों आगे, क्वेश्चन नंबर 10th। अगर आपको स्पीड में कुछ कम या ज्यादा करना हो तो आप कह सकते हो, अदरवाइज मैं क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहा हूं। हां जी, कर दें स्टार्ट 10 नंबर। यस सर। स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है वो समझ लो। ये कहता है कि अगर हमने the principle state that if only the conservative forces are doing work on a body, then total mechanical energy remain constant. इसके कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास अकेली कौन सी forces हों बच्चे? Conservative forces की वजह से अगर work done हो तो हमेशा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहने का मतलब टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी ओनली व्हेन देयर इज अ वर्क डन ओनली ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर क्वेश्चन समझ आया आपको? यस बच्चों। इनिशियल इनिशियल एनर्जी का मतलब इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल, इनिशियल
इनिशियल काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल, और फाइनल एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल, यानी टोटल जितनी एनर्जी जिस बॉडी में होती है उतनी ही उसके अंदर फाइनल एनर्जी होती है। इनिशियल एनर्जी कौन कौन सी होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। फाइनल एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। टोटल इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होता है। अगर हमारे पास वर्क डन अकेला कौन सी फोर्सेस की वजह से हो बच्चे? कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से। ये हमारा सिंपल है, ये एक नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये तीन नंबर का आर्टिकल, 11th नंबर, तीन नंबर का आर्टिकल पक्का है, पेपर में आने के चांसेस फुल है। ये 3 मार्क्स का आर्टिकल। यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सबसे आसान आर्टिकल है, और आप इसको 9th क्लास में करते होते थे। अगर किसी बॉडी को आपने ए पॉइंट से फेंका है, जो इसकी एनर्जी ए पॉइंट पर है वही इसकी एनर्जी जब ये बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा वही होगी, और अगर ये जब ये सी पॉइंट पर पहुंच जाएगा तब भी इसके अंदर वही एनर्जी होगी। यानी एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। तीनों पॉइंट पर इक्वल एनर्जी होगी, ये हमने प्रूव करनी है। क्लियर? ये हमारा 3 नंबर का आर्टिकल है। बच्चों सबसे पहले तो मैं पॉइंट ए की बात कर रहा हूं। अगर एच हाइट पर बॉडी पड़ी है तो ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, यही होगा बच्चों? यस। अब यहां पर ये ए पॉइंट पर पड़ी है बॉडी, तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल 0 है, तो काइनेटिक तो 0 हो गई, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राउंड से यहां तक एच हाइट तक लेकर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? एम जी एच। ए पॉइंट पर एनर्जी कितनी आ गई? एम जी एच। कोई डाउट है किसी को? अब मैंने बी पॉइंट पर, जब ये बॉडी बी पॉइंट पर पहुंच जाएगी, बी पॉइंट पर बच्चों इसकी स्पीड भी होगी, और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करगी बी पॉइंट तक पहुंचते हुए? एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करगी। अब बी पॉइंट पर जो इसकी एनर्जी होगी वो कौन कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। कोई डाउट है किसी को? नो सर। बच्चों मुझे ये बता सकते हो बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? एम जी। एच कितना होगा? एच हमेशा ग्राउंड से होता है, ग्राउंड से देखो एच कितनी हाइट है। अगर ये x चल गया, ये x चल गया, यहां पर पहुंच गया, a से b यहां पर पहुंच गया, अब b से c में कितनी डिस्टेंस रहेगी? h माइनस x रह गया बच्चों। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। कोई डाउट है किसी को? यस, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? नो सर। ये ना वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है बच्चों। वी स्क्वायर की वैल्यू कैसे पुट करेंगे? अब मैंने इतने वाले पार्ट में देखना है, v square minus u square is equal to 2as. v square मुझे निकालना है, u कितना है? ये initial velocity 0 है, 2 acceleration कितनी है? g है, distance कितना travel किया a से b तक? x. तो v square कितना आ गया बच्चों? 2gx. तो यहाँ पर put कर लो half m 2gx mgh minus x. तो ये कितना बन गया हमारे पास? MGH. ये बन गया हमारे पास, 2 से 2 कट गया, MGX से MGX कट जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों? MGH बन जाएगा। कोई डाउट है B पॉइंट पर? सिमिलरली C पॉइंट पर कौन सी एनर्जी जीरो हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी बच्चों C पॉइंट पर। Yes. पोटेंशियल एनर्जी ये देखो लिखा हुआ है, जीरो हो गई सी पॉइंट पर। अकेली क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी डैश, यहाँ पर स्पीड माननी है वी डैश का स्क्वायर। अब वी डैश का स्क्वायर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वही फॉर्मूला। यस, इनिशियल स्पीड कितनी थी? जीरो। यहां से यहां तक सी पॉइंट, ए से सी पॉइंट तक अगर पहुंचेगा तो कितनी हाइट कवर करेगा? एच।
एच हाइट कवर कर गया तो वी डैश की वैल्यू आ गई, वी डैश की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो बच्चों तो ये बन गया एम जी एच। तो सी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी एम जी एच, बी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी एम जी एच, ए पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी एम जी एच। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। यस बच्चों एनी डाउट, चलें आगे। यस सर। ओके, स्पीड में कुछ चेंज करना हो तो बता देना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो ओवरव्यू लेने के बाद आप चैप्टर पूरा कर सकते हो आज आज के दिन, और ट्राई करना कल कल वर्क पार्टनर जी आप कंप्लीट कर दो। अच्छा बच्चों एक चीज और मैं आपको बताऊं, डिस्कस द, अभी हमने किया तीन नंबर का आर्टिकल, डिस्कस द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलास्टिक स्प्रिंग, ड्राइव एन एक्सप्रेशन मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बॉडी ऑफ मास ऑसिलेटिंग एट द एंड। सॉरी, हां जी, हमने क्या करना है बच्चों इसके अंदर, डिस्कस द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलास्टिक स्प्रिंग। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने प्रूव करना है किसके अंदर, इलास्टिक स्प्रिंग के अंदर। जैसे ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बच्चों मैंने प्रूव करवाई है, ये किसमें करवाई है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी की करवाई है। यहां देखो आर्टिकल में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने ग्रेविटेशनल एनर्जी से आपको प्रूव करवाई है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किससे प्रूव करना है बच्चों, यस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किससे प्रूव करना है, ऑसिलेटिंग बॉडी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से प्रूव करना है। मुझे आप ये बताओगे, अगर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ मैंने मास अटैच कर दिया, अगर मैंने इसको यहां से नेचुरल लेंथ से खींचा, ये नेचुरल लेंथ से है, खींचा मैंने यहां पर ले गया, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, तो मुझे बता सकता है कोई एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने से यहां पर इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, एनी स्टूडेंट, यहां पर पहुंचने के बाद इसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पर, काइनेटिक, नो, पोटेंशियल एनर्जी। कितनी आएगी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर, हाफ के एक्स एम मैक्सिमम होगी बच्चों। एक मिनट मैं इसको यहां लिख दूं, दोबारा फिर समझो मेरी बात, जो मैं क्या कहना चाहता हूं इसके अंदर, जब एक्सट्रीम पोजीशन पर होगी ये मैक्सिमम दूरी पर होगी ये एक्स, तो यहां पर मैक्सिमम दूरी पर बॉडी अगर होगी, अगर मैंने स्प्रिंग को खींचा मैक्सिमम खींच लिया, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, इलास्टिक एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, कौन सी एनर्जी होगी इलास्टिक, क्या होगी, हाफ के एक्स एम का स्क्वायर। यहां पर अगर मैंने इसको मैक्सिमम खींचा, काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो होगी बच्चों, कोई डाउट है तो पूछो। अब अगर हम यहां से इसको छोड़ेंगे तो ये दोबारा वापस मीन पोजीशन पर आएगा, मीन पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते जब ये वापस आएगा अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ इधर को, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कम हो रही होगी और काइनेटिक एनर्जी स्पीड इसकी बढ़ रही होगी। मीन पोजीशन पर जाकर इसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी मैक्सिमम का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो, कहां पर, मीन पोजीशन पर। लेकिन काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ये यहां नहीं रुकेगा, ये कहां पर पहुंच जाएगा, कंप्रेस्ड स्टेट में पहुंच जाएगा, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, इस पर भी कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होगी, कोई बता सकता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर भी क्या होगी, जीरो। ऐसे ये ऑसिलेट कर ही जाएगा, यानी क्या हो रहा है, मीन से जब एक्सट्रीम जा रहे हैं तो मीन से एक्सट्रीम जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी कम होगी, एक्सट्रीम से अगर मीन की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये कहानी आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई? यस सर। ओके, आपको पता लग गया एक्सट्रीम पर कौन सी एनर्जी होती है हमेशा, पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी होती है जीरो। मीन पर कौन सी एनर्जी होती है हमेशा, काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल क्या होती है, जीरो। यही जीरो आया है,
एक्सट्रीम पोजीशन पर कौन सी एनर्जी? कैनेटिक जीरो, पोटेंशियल मैक्सिमम। मीन पोजीशन पर कौन सी एनर्जी? कैनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इंटरमीडिएट पॉइंट पर मीन और एक्सट्रीम के बीच में एक पॉइंट हो जब इसके पास कैनेटिक भी होगी और जब इसके पास पोटेंशियल भी होगी, तो दो। अब अगर मीन और एक्सट्रीम के बीच में आ जाएगा तो कैनेटिक भी होगी बच्चों और पोटेंशियल भी होगी, लेकिन एक्सट्रीम पर अकेली पोटेंशियल होती है, मीन पर अकेली कैनेटिक होती है, ये आप लोगों ने याद रखना है। हाँ जी, अगर मैं इंटरमीडिएट पॉइंट की बात करूं, टोटल एनर्जी तो क्या होती है स्प्रिंग में? हाफ के मैक्सिमम का स्क्वायर। अगर वो इंटरमीडिएट पॉइंट पर होगा तो ये वाली एनर्जी कैनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में कन्वर्ट हो जाएगी, इससे आपने वी की वैल्यू निकाली हुई है। इक्विलिब्रियम पोजिशन का मतलब मीन पोजिशन पर कौन सी एनर्जी होती है? आपको पता है कैनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल क्या होती है? जीरो होती है। ये बच्चों 3 नंबर का आर्टिकल आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स का आर्टिकल। ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये ग्राफ देखना किसी को समझ आया, ये वाला ग्राफ क्या कह रहा है? ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये वाली और ये वाली, ये है हमारी एक्सट्रीम पोजीशन। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ये दो कर्व बनाई है, एक ये वाली, मैं अलग अलग बना रहा हूँ, एक मैंने बनाई है ब्लू कलर से, एक मैंने बनाई यहां पर मैंने बनाई रेड कलर से। आप मुझे बता सकते हो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी की कर्व है, कौन सी काइनेटिक एनर्जी की कर्व है? तो रेड वाली पोटेंशियल, रेड वाली, सॉरी ब्लू वाली पोटेंशियल। यस, वेरी गुड। ये मीन पोजीशन पर कौन सी एनर्जी जीरो होती है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। और एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ऊपर को एनर्जी मैक्सिमम है, ऊपर को ये देखो, यहां पर मैक्सिमम एनर्जी होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो ये अब मेरी जो ये वाली मैंने बनाई है, अब कर्व द्वारा बना रहा हूं, ये मेरी कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। अब मैं दूसरी ड्रॉ कर रहा हूं कैनेटिक एनर्जी। कैनेटिक एनर्जी में देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं कैनेटिक एनर्जी में, मीन पोजिशन पर एक्स जीरो पर कैनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, टॉप पर है, लेकिन